kids? Hi sir. ये देखो, how many times? Nine. देखो, 976 children are going on a picnic. They will be taken in a mini buses. If 25 children can go in one bus, how many buses do they need? ठीक है? 976 बच्चे हैं किसी स्कूल में, ठीक है? कितने बच्चे हैं? 976. अब वो कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हैं. अब देखो, एक बस में कितनी सीटें होती हैं लगभग? जो हमारे पास बड़ी बस होती है उसमें लगभग 40 सीटें होती हैं, ठीक है? लेकिन हमारा हम कौन से वाले बसेस ले रहे हैं? मिनी बसेस. उस बस में एक बार में कितनी बार बच्चे जा सकते हैं? 25. जबकि बच्चे टोटल जाने कितने हैं? 976 बच्चों ने जाना है. तो वो बोल रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी? क्या करना है? भाग देना है. सिंपल है, डिवाइड ही तो करना है हमने. 975 बच्चों को 25 बसों में, मतलब हर एक बस में कितने बच्चे चाहिए हमें? 25, क्योंकि उस बस की जो कैपेसिटी है वो 25 की ही है, ठीक है? अब देखो, टू चिल्ड्रन हैव सॉल्वड इट. दो बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब भाग दिया उन्होंने. चेक इफ दे हैव मेड अ मिस्टेक, करेक्ट इट, डिस्कस. अब देखो, दो बच्चों ने दो डिफरेंट तरीकों से भाग दिया, ठीक है? एक बच्चे ने तो भाग ऐसा दिया और एक बच्चे ने भाग ऐसा दिया. अब पहले वाले बच्चे का देखते हैं हम कि उसने भाग सही दिया. इसमें कहीं पर गलती है, वो आपको ढूंढनी है, ठीक है? कहां पर गलती है? 25 से 5 बार भाग दिया उसने, 125 आया, सही है? 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया 5 और 9 में 1 गया 8, ठीक हो गया? ठीक है, उसने 5 बार भाग दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर देखो, 25 दशांक कितना हो गया? 250, यहां पर भी सही है. फिर उसने 10 बार दिया, फिर 250 सही है. फिर 10 बार दिया, 250 सही है. अब देखो, 10 का 1, 55 का 0, 32 का 1 और 25 को 100. अब देखो, यहां पर क्या होना चाहिए था? वन क्या होना चाहिए था? सॉरी, रिमाइंडर. वन रिमाइंडर आना चाहिए था, जो कि उस बच्चे ने लिखा नहीं. लेकिन जो उसका जो ये आंसर है, वो आंसर क्या है? सही. कितना आंसर है ये? 39. तो इसका मतलब बसेज कितनी की जरूरत पड़ेगी हमको? 39. मतलब हमको 39 बसेज चाहिए इन 976 बच्चों को पिकनिक में ले जाने के लिए. ओके, हम भी जाते हैं जैसे पिकनिक में. कहाँ गए थे पिकनिक में? देहरादून गए थे ना पिकनिक में. तो हम भी बसेज में गए थे, तो उन्होंने भी बसेज को ऐसे डिवाइड किया. जैसे हमने बोला कि भाई हमारे स्कूल में 55 बच्चे हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से बसेज लेके आए. जैसे हमारा जो इंटर कॉलेज था, तो इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए ज्यादा बसेज लाए, हमारे लिए एक ही बस में हो गया, ठीक है? अब देखो, अब दूसरे बच्चे ने इस हिसाब से किया उसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व. उसने क्या बोला? 25 को उसने सीधे 20 से गुणा किया. 25 20 अंक 500 होता है. अब देखो, 6 में से 0 गया, कितना होना चाहिए था? 6. फिर क्या होना चाहिए था? 7 में से 0 गया, 7 होना चाहिए था. और 9 में से 5 गया, 4 होना चाहिए था ना. 476 होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया यहाँ पे, ये एक 7 और भी लिख दिया. तो यहीं पर क्या हो गई? गलती हो गई. अगर यहाँ पर गलती ना होती तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता? सही हो जाता. अब देखो, इसको हम सही करते हैं. अब देखो, ये तो 20 तो उसने लिखा ही है. अब माना उसने ये 10 भी लिखा होता, 25 दशांक कितना लिखना है हमें यहाँ पे? अब 250. 6 का 6, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, ठीक हो गया? अब देखो, उसने 4 लिखा है, तो हम 4 से ही कर लेते हैं. 25 को 100, 6 का 6, 2 का 2 और 2 में 1 गया 1. अब देखो, उसने क्या लिखा है? 25 से कम 25, हम भी ऐसे कर लेते हैं. 6 में 5 गया 1, 2 में 2 गया 0 और 1 का 1. अब देखो, 25 का भाग 101 में देखो, देखो कितनी बार जाएगा? चक्को 25 को 100, ठीक हो गया? और 1 कैरी. अब देखो, अब इसको जोड़ लो, 20 और 10 30 और 4 34 और 1 35 और 4 39, ठीक है? आंसर सेम आ गया. अब देखो, अब एक चीज बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है. हम 976 बच्चों को ले जा रहे हैं पिकनिक में, और अभी 39 बसों के हिसाब से हमारे पास एक बच्चा क्या हुआ है? अभी बचा हुआ है. इस बच्चे के लिए बस नहीं है अभी. जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर का मतलब है कि इस बच्चे को अभी हमने नहीं लिया है. अभी मतलब हम कितने बच्चों को ले जा पा रहे हैं? 975. एक बच्चे के लिए भी बस नहीं है. अब एक बच्चे के लिए हमको 40वीं बस भी ले जानी पड़ेगी. समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? क्योंकि एक बच्चा बच रहा था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे एक बच्चे को ले जाए ना. या तो उस दिन अब्सेंट रहे, और अगर अब्सेंट नहीं रहे तो हम उसको भी ले जाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमको एक नई बस लानी होगी, या उसको हम उन 39 बसेज में एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? ओके.